दोस्तों, जब हम लोग YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं और टैग्स लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे थंबनेल देने के बाद वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में प्रीमियर कैसे किया जाता है या फिर कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, या फिर कह लें कि एक परफेक्ट वीडियो अपलोड करने के लिए कौन कौन से सेटिंग्स को यूज करना चाहिए जो यूट्यूब ने हमें दिया है, तो दोस्तों इसी के बारे में आज हम जानेंगे पूरा डिटेल से। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनुटेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अपलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे हमें ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड वीडियो का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे वीडियो अपलोडिंग वाले पेज पे। इसके बाद यहाँ से हमें एक वीडियो ले लेना है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे वीडियो एक हम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओपन कर देना है। और जब तक दोस्तों ये वीडियो अपलोड होता है, तब तक हमें वीडियो में टाइटल और यहाँ पे ये वीडियो का नेम दिया हुआ है, इसके बाद हमें टाइटल दे देना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है और यहाँ टैग लगाना है। टैग कैसे लगाना है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे अनुटेक लिखता हूँ, तो अनुटेक लिखने के बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कॉमा। जैसे ही आप कॉमा क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टैग लग चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कस्टमाइज थंबनेल, यहाँ पे थंबनेल देना है। तो यहाँ थंबनेल पे क्लिक करने के बाद हमें कोई इमेज सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आप थंबनेल आप पहले ही बना लेंगे। तो यहाँ पे थंबनेल बनाने में सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब देखते हैं दोस्तों वीडियो में प्रीमियर कैसे लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले पब्लिक है, आप ये अपलोड होने के बाद जैसे ही पब्लिक क्लिक करेंगे आपका वीडियो तुरंत लाइव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रीमियर कैसे किया जाता है, पहले ही आपका नोटिफिकेशन चला जाए, उसके बाद वीडियो आप जब टाइम दिए रहेंगे उसके बाद वो लाइव होगा, तब तक आपका थंबनेल लोग वेट करेंगे वीडियो का। तो इसके लिए यहाँ पे पब्लिक जो दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे आपको शेड्यूल करना है। शेड्यूल आप करेंगे कि कब आपका वीडियो, यहाँ पे डेट दे देंगे कि कब आपका वीडियो लाइव हो। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 तारीख ऐसे, मतलब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे टाइम जाना है, टाइम में आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपका वीडियो पब्लिक होगा। ये यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने के बाद, शेड्यूल करने के बाद, इसके बाद यहाँ आपको प्रीमियर ऑप्शन ओपन कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रीमियर ऑन वेडनेसडे अक्टूबर इतना है, ये डेट दे चुका है। यहाँ पर आपको जब आप ये पूरा प्रोसेसिंग डन हो जाएगा, यहाँ पर प्रीमियर करेंगे तो ये आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब सेटिंग करने के बाद, सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अलाउ कमेंट्स, जैसे अगर आप कोई वीडियो ऐसा अपलोड कर रहे हैं जिसमें लोग लड़ झगड़ रहे हैं कमेंट्स में, तो आप जैसे कमेंट्स को डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाउ का जो चेकबॉक्स है इसे आप बंद कर देंगे, तो आपका जो यहाँ पे वीडियो का कमेंट भाग है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इसे हम रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आती है कि आप कौन से कैटेगरी के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या देखिए जैसे यहाँ पे फिल्म एनिमेशन, कार व्हीकल, म्यूज़िक, एडुकेशन, तो यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे ये होगा। इसके बाद तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए यूज़र कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, ये ऑप्शन जैसे आपको लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन रहता है, अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते कि कितने लोग हमारे वीडियो को लाइक किए हैं डिसलाइक किए हैं, तो यहाँ पर इसे भी हम हटा सकते हैं। इसके बाद वीडियो का लैंग्वेज जो हम सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर फिर वही देना है, जैसे यहाँ हिंदी, सॉरी यहाँ पे हिंदी दे देना है। इसके बाद व्यूअर्स कैन कंट्रीब्यूट ट्रांसलेट टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे यहाँ पे जो सबटाइटल अगर हम देना चाहते हैं या फिर कोई आपको सबटाइटल आपकी वीडियो में वो ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे तो वो यहाँ पे सबटाइटल ऐड कर सकता है, कोई दूसरा थर्ड पार्टी आपको यहाँ पे वीडियो में सबटाइटल दे सकता है। और यहाँ पे दोस्तों बातें हैं कि लाइसेंस एंड राइट ओनरशिप, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, क्रिएटिव कॉमन का और यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन वो लाइसेंस होता है जिससे आप अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं और आप चाहते हैं कि उसे और कोई भी अपलोड कर सकता है आपके वीडियो को, आप कोई भी कंटेंट आपका यूज़ कर सकता है, तो आप यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन देंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस देना है। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस देने के बाद अगर आपका कोई वीडियो यूज़ करता है तो आप उसके वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है रिकॉर्डिंग डेट, आप यहाँ पे 2 डे दे देंगे, तो यहाँ पे जैसे जब का वीडियो मैं बनाया हूँ यहाँ पे दे देगा। अगर आप ये देते हैं तो आपको कॉपीराइट, अगर कोई वीडियो आपका यूज़ करता है तो कॉपीराइट देने में आपको आसानी होगी, क्योंकि इसके बाद अगर आप वीडियो अपलोड करता है वो, तो उसको आप कॉपीराइट दे सकते हैं। यहाँ पे वीडियो स्टैटिक्स है, इन सबों में उतना ज़्यादा वो नहीं है। अलाउ चैट्स रिप्ले, यहाँ पर अगर आप वीडियो को प्रीमियर किए हैं तो उस पर
जो चैट्स होता है ऑप्शन आपका इनेबल रहेगा कि नहीं यहाँ पे इसके लिए ये सेटिंग्स है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आना है अलाउ इम्बेडिंग। इम्बेडिंग वो ऑप्शन होता है जैसे आपका कोई वीडियो हो यूट्यूब का जो अपने कोई वेबसाइट में यूज़ कर सके, तो यहाँ पे वो आप अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे अलाउ है। अगर आप इसे हटा देंगे तो आपका कोई वीडियो अपने वेबसाइट में नहीं यूज़ कर सकता है। इसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आपको मिलता है कि पब्लिश एंड सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर। ये आपको ऑप्शन है जैसे कि आप जब पब्लिश करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर को जाए या ना जाए इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप इसको लगा सकते हैं। एज रेस्ट्रिकेशन, जैसे कि ऐसा कोई कंटेंट है जिसे आप एडल्ट लोगों को खाली दिखाना चाहते हैं 18 ईयर से ऊपर के, उसके पहले नहीं, तो यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी ऑप्शन होते हैं वीडियो अपलोड करते टाइम जिन्हें हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा एक वीडियो प्रोफेशनली अपलोड हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।